नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का इस जमघट में। आप देख सकते हैं आज हम जमघट सजाए बैठे हैं, एक पुराना चेहरा, बाकी सब नए चेहरे, नवीनतम चेहरे जगमगा रहे हैं और रात करीब 8 बजने वाले हैं। हम चर्चा करने वाले जमघट में स्थानीय मुद्दे को लेकर, स्थानीय समस्याओं को लेकर, स्थानीय प्रतिनिधि को लेकर, कोयलांचल की। जैसा कि आप जानते हैं, देश में बिगुल फूका जा चुका है, लोकसभा चुनाव का 7 चरण के में चुनाव संपन्न होने हैं, ये भी कहें तो एक तरह से अनुष्ठान है। इस अनुष्ठान के पहला आहुति यानी कि प्रथम चरण आज संपन्न हो गया है। तो चलिए लोकल मुद्दे पर आते हैं, कोयलांचल के लोकल मुद्दों पर अपनी वजूहत रखते हैं। तो हमारे साथ हैं एक बार फिर पवन झा जी, जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं जनता दल सेकुलर का। तो झा जी, आपसे हम शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं पहले जनमानस समाचार के सभी व्यूअर को और धनबाद लोकसभा क्षेत्र की जनता को और हमारे स्थानीय जितने भी जुझारू नेता हैं, कार्यकर्ता हैं और समाज सेवक हैं, सबको मैं अपनी ओर से अभिनंदन, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। रही बात चुनावी मुद्दे की, तो निश्चित रूप से चुनावी मुद्दा गर्मा चुका है और इस बार धनबाद लोकसभा क्षेत्र का जो चुनाव हो रहा है, इसमें साम दाम दंड भेद सबका प्रयोग किया जा रहा है और कुछ नेता इसमें पूरा मतलब अपने स्तर को गिरा के आगे बढ़ने का प्रयास करना चाह रहे हैं। ऐसा आज भी बहुत सारा घोषणा हुआ है, आप जान रहे हैं, आपको मालूम है। लेकिन हम लोग वैसे नेताओं का, वैसे लोगों का, जो सबसे पहली बात धनबाद लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करेंगे तो हम लोगों का डिमांड हमेशा रहा है, यहाँ की जनता का रहा है, यहाँ के स्थानीय नेताओं का रहा है। आप जान रहे हैं कि आज हमारे साथ सारे स्थानीय नेता यहाँ के मौजूद हैं, हम लोग साथ में बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे स्थानीय नेताओं का इस बार का लोकसभा चुनाव स्थानीय वर्सेज बाहरी का एकदम होने जा रहा है। क्योंकि बाहर से नेताओं को यहाँ पे ला के जो है प्रोजेक्ट किया जा रहा है, बाहर से विधायकों को लाया जा रहा है और उनको यहाँ पे ला के प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो ये जनता क्या है, धनबाद लोकसभा क्षेत्र की जनता क्या है कि मतलब कठपुतली है, इसको जैसा चाहे वैसा नचा दें, ये इस बार हम लोग होने नहीं देने जा रहे हैं। इसलिए हम लोग सारे लोग यहाँ पर आज बैठे हैं, एक जमघट जो आपका कार्यक्रम चल रहा है अभी, उसके माध्यम से और अपने विचारों को रखने का काम करने जा रहे हैं और वैसे लोगों का पुरजोर विरोध होगा जो यहाँ पे आके सिर्फ राजनीति करने के लिए आ रहे हैं और अपना राजनीति और अपना करियर बनाने का काम करने जा रहे हैं। वैसे नेता कहाँ जाएंगे, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो नेता यहाँ पर हमेशा सुख दुख में लोगों के बीच रहता है, गरीबों के लिए लड़ाई लड़ता है, यहाँ पे झरिया क्षेत्र में आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे विस्थापन का समस्या है, यहाँ पे कोयला क्षेत्र है, अग्नि प्रभावित क्षेत्र है, इन सारे मुद्दों के लिए कौन लड़ाई लड़ता है? इन सारे मुद्दों को की लड़ाई यहाँ के स्थानीय नेता लड़ते हैं, जुझारू लोग लड़ते हैं, समाजसेवी लोग लड़ते हैं, वैसे नेताओं को नहीं आगे बढ़ के कोई चौथे पाँचवें नेताओं को, पूंजीपतियों को यहाँ पर जो है लाया जा रहा है, अरबपति खरबपति लोगों को यहाँ उतारा जा रहा है, वैसे लोगों को उतारा जा रहा है जो कि गरीबों का जमीन ले रहे हैं, गरीबों का जमीन हथियाए हुए हैं, आपराधिक मामला 50 से 100 उनके ऊपर दर्ज है, वैसे लोगों को बड़ी बड़ी पार्टी, राजनीतिक पार्टी अपना उम्मीदवार यहाँ पे तय कर रही है। तो ये जो है इस बार यहाँ पे धनबाद लोकसभा क्षेत्र की जनता इसका विरोध करेगी और धनबाद की जनता चाहती है कि यहाँ का वैसा बेटा हमारा सांसद बने जो हमारे सुख दुख में साथ दे, वैसा बेटा सांसद नहीं बने जो कि विदेश में रहे, और होता है ना घर परिवार से कोई मतलब नहीं रखना, तो घर परिवार का कहने का अर्थ हमारा है धनबाद की जनता, धनबाद की जनता वैसे लोगों को प्रोत्साहित करने का काम करेगी और उसी लिए हम लोग भी सब जगह घूम रहे हैं, सारे लोगों से राय विचार ले रहे हैं, सारे लोगों का बस एक मत से यही कहना है कि पूंजीपतियों का विरोध होना चाहिए। आप ये बात बताइए अवधेश जी कि जो आदमी राजनीति में है, ये लड़का राजनीति में है, वो राजनीति में है, वो लड़का, सारे लोग राजनीति में हैं, तो हर एक आदमी चाहता है कि राजनीति जीवन में हम आगे बढ़े। क्या यहाँ पे यहाँ के लोगों और यहाँ के नेताओं की कमी थी, दोनों जो है राष्ट्रीय पार्टी, उससे मैं पूछना चाह रहा हूँ, जो बाहर के लोगों को आपने प्रोजेक्ट कर दिया है, ये बीजेपी ने तो लोकल को ही दिया है। नहीं, लोकल दिया तो वो बागमारा क्षेत्र के हैं, उनको झरिया धनबाद से कोई लेना देना नहीं है। मैं ऐसा हजारों मुद्दा दिखाता हूँ कि माननीय जो ढुलू महतो जी थे, उनके पास झरिया के लोग गए थे तो उन्होंने कहा है कि भैया हम तो बैगमारा का विधायक हैं, हम झरिया का मामला काहे देखेंगे, और आज वही लोग जनता के बीच आ रहे हैं, वैसे लोगों के बीच जा रहे हैं जिनको इन्होंने ऐसा कहा था, तो उनको जवाब मिल भी रहा।
तो कहीं ना कहीं वो अब क्या है ना, वो लोग पूंजीपति हो गए। देखिए यहाँ पे लड़ाई हो रही है पूंजीपति लोगों को, राजनीति में अगर रहेंगे तो आम आदमी राजनीति में कैसे आगे बढ़ेगा बताइए। अब तो यही हो गया, जिसके पास पैसा है वही राजनीति करेगा। चलिए हम लार्जर देन लाइफ बात करते हैं। लार्जर देन लाइफ की बात है जी। एक बोरो प्लेयर जी बेरमो से आती है, मैंने कुछ पब्लिक रिव्यू भी बनाया था, आपने देखा जी, था। जी 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 तो मैं लोगों से पूछता था अनुपमा सिंह आप जानते हैं जी, तो कई लोगों ने कहा मैं जानता नहीं अनुपमा सिंह जी, मैं भी पत्रकारिता में हूँ राजनीति देखता हूँ, आपको भली भांति पता है, मुझे भी नहीं पता अनुपमा सिंह जी। तो किसी आदमी की पहचान उसके चरित्र से होती है, उसके कारनामे से होती है जी। इनकी पहचान इनके पतिदेव और इनके ससुर से हो रही है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या कांग्रेस ने अपनी भद पिटवाई है और उसका हैंगओवर आज हुआ है। कांग्रेस के एक दिग्गज नेता ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। सुन लीजिए मैं रोकना चाहता हूँ, वैसे लोग दिग्गज नहीं है, आप वैसे लोगों को दिग्गज ना बना रहे। मैं मीडिया से अनुरोध करना चाहता हूँ, कुछ लोग, कुछ मीडिया, मैंने आपको पहले भी कहा है, कुछ मीडिया, हम तो दिग्गज ही बोलेंगे नहीं, कुछ मीडिया ऐसे हैं कि जो किसी को भी दिग्गज बना देते हैं। दिग्गज का मतलब होता है कि जो दिलों में राज करे, दिग्गज का शाब्दिक अर्थ वो है। अगर दिग्गज का समिति के सदस्य थे, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य वैसे बहुत आपको मैं दिखा दूंगा जो कि उनसे ज्यादा काम करने वाले, वैसे लोगों का मैं विरोध करता हूँ, मैं खुद विरोध करता हूँ वैसे लोगों का जो जो बोल रहे हैं कि हजारों कार्यकर्ता ये लड़का निकालेगा, ये लड़का निकाल देगा यहाँ पे हजारों कार्यकर्ता, ठीक है, ये लोग निकाल सकता है हजारों कार्यकर्ता। वैसे लोग क्या है, वैसे लोग दलाल है, वैसे लोग चाह रहे हैं कि मैं दबाव बनाऊं और अपनी राजनीति गोटी सेकूं, बस इसके अलावा उनको झरिया धनवाद की जनता से कोई लेना देना नहीं है, उनको अपना पॉकेट भरना है और अपनी राजनीति कैसे आगे बढ़े, अपनी राजनीति को आगे करने के लिए वो ऐसा काम करते हैं। मैं अगर व्यक्तिगत रूप से कहेंगे और हमारी पार्टी, मैं पर्सनली रूप से इन ऐसे लोगों का तो खुल के विरोध करूंगा, ऐसे लोग बोलने का मुंह नहीं है। ये लोग, इन लोगों का कारनामा देखिएगा, ये लोग श्रमिक नेता बनते हैं, ये लोग किस तरह का घटिया राजनीति करते हैं, आप कोलियरी क्षेत्र में जाके देखेंगे तो ये सब सारी बातों को अगर करेंगे तो एक बड़ा ब्यौरा बन जाएगा इन लोगों के बारे में। तो इस पर नहीं बोलते हैं, तुच्छे लोगों के बारे में अगर बोल के तो उसका मान बढ़ाने से कोई मतलब नहीं, वैसे लोगों का हम लोग विरोध करते हैं। नहीं बोल सकता जैसे, नहीं मैं बोल सकता हूँ, मैं इसलिए बोल सकता हूँ कि राजनीति में लोग तो बहुत अपशब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन मैंने तो बहुत ही मतलब क्या बोले उसको, शाब्दिक तरह तरह से बोला, तुच्छे लोग। तुच्छे लोग का मतलब होता है कि छोटे लोग, ठीक है, छोटे मानसिकता के लोग जो कि सिर्फ अपना चाह रहे हैं कि भैया मेरा कैसे कुछ हो जाए, ठीक है, आप इतना दिन से नहीं थे, इतना दिन से आपने ये नहीं किया था, ये देखिए वो किसी व्यक्तिगत पार्टी का मामला है, उस पर ज्यादा भी हम नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन कोई लोग ये कहते हैं कि मैं यहाँ पर सब कुछ हूँ, मेरे लोग इतने हैं, ठीक है, तो आपके लोग उतने हैं तो आप क्या कर रहे हैं, इतने दिन से आपकी पार्टी का ही ना आपको टिकट दे रही थी, अगर आप उतने दमदार नेता हैं थे तो आपको पार्टी आपको टिकट देना चाहिए था, काहे नहीं दिया इतना दिन से टिकट आपको। चलिए ठीक है, ठीक है, हम मुद्दे बनाते हैं जी। अभी हमने बहुत सारे वीडियो बनाए थे आपस में जी, कि धनबाद का मुद्दा है, फ्लाईओवर है जी, बिल्कुल। कल मैं एक बंदे से पब्लिक रिव्यू ले रहा था जी केंद्रवा में जी, वो बोला कि जो फ्लाईओवर है जी वो कपूरी ठाकुर जी के जमाने में बना था धनबाद में जी जी। कपूरी ठाकुर कब मुख्यमंत्री रहे जी, बिहार था उस टाइम, संयुक्त बिहार कब का, और तब से सिर्फ थूक पॉलिश किया जा रहा है, मतलब उसमें कुछ हुआ नहीं है जी जी, रत्ती भर कुछ नया जोड़ा नहीं, सिर्फ थूक पॉलिश हो रहा है, ये दिखा रहा है कि भाई विकास से कितने कोसों दूर है। देखिए एक चीज बता दूं कि मोदी जी के नाम पे सिर्फ लोगों का एक जो विश्वास या गारंटी जो बोलिए वो बोल के लोग वोट कर देते हैं, लेकिन स्थानीयता की बात करें, इस बार का चुनाव जो है हम लोग चाहते हैं कि लोग, स्थानीयता का मुद्दा होता क्या है, स्थानीय मुद्दा ये होता है कि यहाँ स्थानीयता की आप बात की, मुद्दे तो है नहीं, बिल्कुल मैं इसको मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ, स्थानीयता की बात यह होती है कि यहाँ का जो मुद्दा जो सब दिन का बना हुआ, फ्लाईओवर का मामला आप ही ने कहा, इतने सालों से तीन तीन बार यहाँ पे बीजेपी के सांसद रहे, ठीक है, और भी कांग्रेस के भी सांसद रहे, तो मैं पूछना चाहता हूँ दोनों बड़ी पार्टियों से कि भैया आप राय साहब भी रहे, सम्मानजनित है, उनका मैं सम्मान करता हूँ, अब तो नहीं है हमारे बीच, कहने का मतलब है कि सारे लोग रहे लेकिन सोल्यूशन नहीं मिला, जनता आज वहीं पे है, वो प्रॉब्लम वो झेलना, मतलब जो झेल रही है वो आज भी झेल रही है, तो जनता के विषय में तो कुछ है ही नहीं, जनता को तो कुछ परिवर्तन लगता ही नहीं है कि भैया बीजेपी का सांसद आया तो ये क्या किया मेरे लिए, कांग्रेस का आया तो क्या किया मेरे लिए, लाल झंडा का आया तो क्या किया मेरे लिए, मेरे लिए तो सारे लोग वही है, क्योंकि जनता तो चाहेगी विकास ना, उसको तो कुछ दिखना चाहिए कि हाँ भैया ये सांसद बना तो ये काम किया, तो एज यूजुअल है, आज 15 साल से लोग वही देख रहा है, 20 साल से लोग वही देख रहा है,
तो बात तो घुरा फिरा के वहीं पे आगे रुक रही है। तो जनता चाहती है भैया परिवर्तन हो और धनवाद का भी। देखिए मैंने आपको एक बार पहले भी कहा था कि देखिए हम लोग धनवाद से प्रेम करते हैं, धनवाद को हम लोग चाहते हैं कि सुंदर बने, ठीक है। लोग पूछता है हम लोग से बाहर में कि भैया कहाँ रहते हैं, हमारे जितने भाई हैं ये लोग भी गांव जाता हुआ लोग पूछता है कहाँ रहता है, अरे धनवाद में रहते हैं। लोग तो सोचता है साला धनवाद बड़ा बढ़िया जगह होगा, ये थोड़ो देख रहा है साला यहाँ धनवाद का क्या स्थिति है, साला कोयला में आदमी मर रहा है, मैथेन गैस सूंघ रहा है, ठीक है, ये दर्द कौन देखेगा। तो इसको बदलने का दायित्व किसको बनता है, यहाँ के सांसद को बनता है, यहाँ के विधायक को बनता है, तो ये सारे लोग तो वही लोग हैं और पुनः उसी उन्हीं लोगों को थोपने का प्रयास किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इनका तो विरोध होगा ही। लोग चाहते हैं कि भैया नेता ऐसा दो जो काम करे, बस जो काम करे। और जितने लोग हैं ना वो पहले गरीब थे, ढुल्लू महतो जी की बात बोले पहले गरीब मैं मान सकता हूँ, वो पहले गरीब थे लेकिन आज की डेट में वो अरबपति हैं। वो देखिएगा वो चुनाव लड़ेंगे तो सारा पेपर में आएगा कि उनके पास कितनी तो कितनी संपत्ति है। बार वो चुनाव लड़ नहीं रहे हैं, ठीक है, लंबे अरसे से विधायक भी रहे हैं। नहीं नहीं लंबे अरसे से रहे हैं तो उससे पूर्व में वो थे, उनका गरीबों के प्रति उनका था, ठीक है। तो कहने का मतलब है आज का दौर बदल चुका है, बात को समझ रहे हैं, आज का दौर बदल चुका है। तो वो सारे लोग उसी फेज के हो गए हैं, पूंजीपतियों लोगों का नेतृत्व अलग होता है, वो नेता सब एक अपने एक अलग लोबी रहता है, ठीक है। तो जनता को क्या मिलता है भैया, जनता को तो कुछ विकास होना चाहिए, जनता के लिए तो कुछ वैसा होना चाहिए। स्थानीय नेता काहे नहीं मिलेगा, नॉर्मल लड़का ये लड़का काहे नहीं लड़ेगा चुनाव, बताइए का है, इसके पास पैसा करोड़ों नहीं है इसलिए, का है इसका सोच अच्छा है कि नहीं, जनता तो ये देखना चाहिए। मैं तो जनता से भी अपील करता हूँ, सोच देखिए सोच। 200 आदमी का हमने रोजगार, ठीक है, लीजिए आप बात कीजिए इनसे, बात कीजिए। तो नाम क्या हुआ, नाम बताइए। गणेश कुमार निषाद। हाँ क्या कहना चाहते हैं आप? मैं कहना चाहता हूँ यही कि मैंने अभी 6 महीना पहले लड़कर केस खा के 200 मजदूर को रोजगार दिया, और आज जो उनका जो चल रहे हैं जिनकी बात किए वो मेरे से मदद मांगते हैं कि आदमी दो। अगर उनके पास आदमी है जो 1000 आप लोग दर्शाए किसी भी मीडिया के माध्यम से 1000 लोग साइन करके दिए इस्तीफा दिए ये दिए, 1000 आदमी लोग चलते फिरते मिलते हैं, वो हमसे शक्ति प्रदर्शन जब करवाना चाहे कर ले, हम उनके लिए तैयार है। और रही बात मुद्दा की, मुद्दा यहाँ पे कोई नेता दोनों जो आया है कोई सॉल्व करने वाला नहीं, मालूम नहीं है मुद्दा। आप पत्रकार महोदय गली गली घूमते हैं को मालूम है कि बैंक बोर्ड में कौन सी क्या दिक्कत है, झरिया में क्या दिक्कत है, बाहरी नेता को मालूम है नहीं मालूम है। मैं दिल्ली के बारे कैसे बता दूं, मेरा गांव जहां है मैं गस्तान में एक बार जाता हूं, मुझे नहीं पता वहां का मुद्दा। जी 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 आप दिल्ली में पूछिएगा मेरे वर्ग, आप बताइए गणेश जी वहां क्या हो रहा है, मैं नहीं बताने सकता। कहते हैं ना कांदा नाम नयन। जी संघर्ष करे लोकल नेता, संघर्ष करे लोकल नेता, शहीद भी हो लोकल नेता, लेकिन जब राजनीतिक चमकाना हो तो बड़े बड़े लोगों को लाके गरीब के बीच में सौंप दो कि दो इसको इसको दो। लेकिन अब ऐसा नहीं, पब्लिक समझदार है, पब्लिक अपना हक हिस्सा लेने जान गया है, संविधान बढ़िया से मालूम चल गया, अब धीरे धीरे लोगों को अब गुमराह होने वाला नहीं है। पत्रकार डिजिटल युग है, सबके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल है, बहुत तरह की क्या चल रहा है, लोग क्या बोल रहे हैं, ये सब मैटर कर रहा है डिजिटल। देखिए आप बोल रहे हैं यहाँ कैंसर टीवी से मर रहे हैं लोग, क्या कर रहे थे इतने साल से, ब्लास्टिंग है यहाँ का लोकल मुद्दा है। जब सोते हैं लोग तो ब्लास्टिंग होता है तो घर से दीवार गिर के छप्पर पर गिरने, हाँ, है? ये हमेशा झरिया में होते हैं। सरकार महोदय बहुत सा दिक्कत है, आप झरिया चले जाइए 1 घंटा जाम में फंस जाइएगा। जाइए अब जिस पुल की बात कर रहे थे हमारे भैया जी, वो पुल पे कितने लोगों को जान चला गया एम्बुलेंस में, बिल्कुल सही बात है, जान चला गया। तो क्या कर रहे थे हमारे, हम जिसको बना के भेजे थे आवाज उठाने के लिए ना, कि घर में खाने के लिए नहीं, हम लोग चाहते हमारा आवाज उठाए। क्या सेवा है, 24 घंटा सेवा तत्व पे हम लोग देने वाले लोग हैं, पीएमसीएच सेंट्रल 24 घंटा पब्लिक के लिए, कोई घूम के देख ले, कहीं भी पूछे गणेश निषाद कौन है, हम लोग कार्यकर्ता क्या है, 24 घंटा सर्विस देते हैं, जितनी औकात दिया है। ये पूंजीपति ला नहीं चलेगा, 20 से लाइए हम लोग को, 20 से उन्हीं को चाहेंगे, उन्हीं को जिताएंगे, हम लोग कोई राजनीतिक करने के लिए नहीं। तो वो दोनों नेता के बता दे जमीनी मुद्दा क्या है, फिर उन्हीं को हम देंगे, बता दे हमारे घर के बगल में क्या समस्या है। चलिए हम आपसे बात करते हैं, आपने बड़ा अच्छा टॉपिक यहाँ पर छेड़ा है जमघट में। जी टॉपिक ये है, जो परिवार रह रहा है कोलेरी के आसपास, जी किसी जमाने में रैयत था, जी सरकार ने जमीन ली, जी मुआवजा भी दिया, जी नौकरी भी दी, जी वो यहाँ से नहीं गया क्योंकि यहीं का रहने वाला था, बाहर जाकर बसने के लिए भी वहाँ का माहौल उसको एडजस्ट करना पड़ता है, जी जी ठीक है।
वो सारा जमीन तो चला गया आउटसोर्सिंग में, खनन में। आज उसका परिवार रहा वहां पे, जो डायनामाइट से फोड़े जा रहे हैं, उसके घर पर भी दीवार गिर रहा है, घर में दरारें पड़ रही है, पूरी जिंदगी बद से बदतर है। वो कहते हैं बद से बदतर वाले हालात। मैं कई घर गया हूँ, कहीं पे स्टोरी बनाया हूँ, भी यूट्यूब पर मेरा मौजूद होगा। क्या वो क्या सोचता है, वो परिवार क्या सोचता है? वो परिवार यही सोच रहा है कि मेरे को जीना यही है, मरना यही है, और आस में बैठा हुआ है कि कोई तो जरूर आएगा, लेकिन यहाँ ऐसा कोई खड़ा उतर नहीं रहा। तो हम लोग शुरू से आवाज उठाने का काम किए, जब से होश संवारे लोगों के बीच में रहे, हम भी उसी भूस दशान में रहते हैं, तो हमको दर्द मालूम है, भूख हमको मालूम है। मैं बस्ता कोला कुलवरी में जहाँ ब्लास्टिंग 24 घंटा होता है, जब रात में दिन में छोटा करते हैं, जब रात में सोता हूँ तो बड़ा ब्लास्टिंग होता है कि रात में अब सोते हुए नींद तो आती है नहीं, क्या करे, गरीबी तो कैसा चीज है। गरीब सोया है कभी क्या? कोई नहीं, गरीब सोया है, गरीब कभी नहीं सोया। दिनकर ने भी लिखा है कि हम जैसे अभी हमारे लोग आए, वो लोग आराम से सो रहे हैं कि धनबाद के जनता तो बुड़बक है, चमका दो झमका दो। नहीं, वो गलत फहमी में जितना कभी बीमारी लोगों में फैल चुका है, आप देखिए ना, डॉक्टर कहीं चले जाए, मैं एक दिन डॉक्टर साहब ही गए, वो बोला कि बहुत ज्यादा बीमारी झरिया से निकल रही सर, बोला गैस बीपी हपनी, बोले किस लिए, बोला ये गर्दक का। मैं चौकित रह गया सुन के, बोला आप भी नपवा लीजिए, तो मैंने नपाया, मेरा भी बढ़ा हुआ था। इस परिस्थिति में जी रहे, यार आग लगा हुआ लेकिन छोड़ नहीं रहे। और हमारा सुखचिंतक लोग जो जा रहे हैं, आज तक ये नहीं किया, पानी नहीं दे रहा ठीक से, उसको बिजली नहीं, मेडिकल तक नहीं मिल रहे हैं। चलो ठीक है, हम आपके पास आएंगे। आज जो दोनों माननीय खड़े हैं, आज उनका दौरा था, दुल्लू महतो साहब झरिया में आए थे, साथ उनका कार्यक्रम था, और आज कुछ दौरा, शायद जो मैडम खड़ी है कांग्रेस की तरफ से अनुपमा जी, उनका भी दौरा था। ये दौरा मुझे समझ नहीं आता कि अभी हेलीकॉप्टर से उतरे हैं तुरंत नाश्ती करने चले जाते हैं, मतलब ये क्या है? दुल्लू महतो का समझ में आता है कि पहले भी आना जाना करते थे, मतलब क्या? देखिए बात ऐसा है ना कि लोग अभी ऐसा समझ लिया है, इनको वही तो बोल रहे हैं कि अब ये सारे लोग कांग्रेस तो इतना दिन में देर के बाद टिकट अपना मतलब घोषणा किया है इतना दिन के बाद, ठीक है। कहने का मतलब हो गया, आज का राजनीति जो है ना, आज का राजनीति कहीं ना कहीं पूंजीपतियों का हो गया। बात को समझ रहे हैं कि पूंजीपति आदमी कौन कितना पैसा लगाएगा, कितना करोड़ खर्चा करेगा, पार्टी डायरेक्ट पूछती है कितना करोड़ आप खर्च करेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो लोग वही चीज चाह रहे हैं, वही ढर्रा पे चाह रहे हैं कि राजनीति कर लें हम लोग। लेकिन हम लोगों का प्रयास ही पूरे चुनाव में रहेगा कि ये ढर्रा को चेंज करना है। हम तो अपील करते हैं आपके चैनल के माध्यम से, हमारे जितने भी लोग हैं, जितने भी राजनीतिक दल के वैसे कार्यकर्ता हैं जो अपना राजनीतिक जीवन से, पवन झा अपने लिए नहीं सोच रहा है, या गणेश निषाद अपने लिए नहीं सोच रहा है, या भोलू कुमार अपने लिए नहीं सोच रहा है, ये सारे लोगों का बात है कि कल के डेट में हर एक इंसान आगे बढ़ना चाहता है। अगर ऐसे लोग, बाहर के लोग, पूंजीपति लोग आके पैसे के बल पे, ठीक है, अपने तामझाम के बल पे लोगों को रिझाने का, लोगों को अपनी ओर आकृष्ट करने का काम करेंगे तो क्या होगा? वैसे लोगों कहाँ जाएंगे जो दिन रात सेवा करता है, ये लड़का दिन रात सेवा करता है। तो ऐसा जो आदमी काम करता है, जो दिन रात सेवा में लगा रहता है, या जिसका पॉजिटिव है, जो यहाँ का लोकल है, वैसे लोगों को तुम काहे नहीं दे रहे हो भैया? ऐसे ऐसे लोगों को क्यों टिकट दे रहे हो, वैसे लोगों को क्यों भेज रहे हो? भैया को रोक के एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, झरिया में कितनी दिन से विधायक है, शिमला बार में ट्रांसफार्मर हमने लगवाया, अभी हाल फिलहाल 4 महीना पहले आप देख सकते हैं बोर्ड लगा हुआ है, मैंने ट्रांसफार्मर लगाया, किसी तरह भी लगाया, किसी भी विधायक को बुला के लगवाया, लेकिन काम करवाए। यहाँ के लोग क्या कर रहा था जिनको चुन के भेजे? ये तो आम जनता से पूछना चाहिए ना, आम जनता पूछेगी, जब जाएगी तो पूछेगी इस बात कि आप जो राज किए तो आपने लगाए गणेश कुमार निषाद को, क्या जरूरी था शिमला बार में जाके ट्रांसफार्मर का पैर भी करना? रहते भी नहीं। लेकिन मेरा क्या है, जुड़ाव है लोगों से, हम लोगों को समझते हैं, हम ना गरीब है ना, हम जानते हैं ना दर्द क्या होता है, हमको मालूम है भूख क्या होता है। और धनबाद में ऐसा क्या है कि लोग मर रहे हैं यहाँ के ज्यादा, यहाँ टिकट लेने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए यहाँ है पत्रकार महोदय है, अगर चाह जाएगा तो सब घर में खुशहाली आ जाएगा, जितना रोजगार मुहैया हो गया है, लेकिन रोजगार पे कब्जा किया हुआ है। और ये खूब अच्छे से लोग जान रहे हैं, जहाँ और सोर्सिंग है लोकल है क्या, कहीं पे भी नहीं है। 50,000 रुपया दीजिए आपका नौकरी लग गया, हम कहाँ से लाएंगे, हमारा ये लोग कहाँ से लाएगा 50,000? हम तो तलवार चला नहीं सकेंगे, हम लोग तो संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हमसे लाठी नहीं चलेगा, डंडा नहीं चलेगा। इस तरह के लोगों को दे रहा, धनबाद में आइए,
फिर से अपना दबदबी कीजिए, बोरा कसिए। आप बताइए कि इतने रुपया पे टिकट बिटा और वो रुपया जो लगा के था टिकट में खरीद रहा, वो भरपाई कहाँ से करेगा? गरीब हम तो नहीं दे सकेंगे, ये हमारा धनवादे ससूली नहीं जाएगा तो विकास कहाँ होगा? ये हमारा बीच से जो नेता जाएगा वो विकास करेगा, तो उसको पानी भात खाने का आदत है, उसको फ्री हैंड घूमने का आदत है। जैसे हम लोग पवन भी रहे, बिंदास मोटरसाइकिल में भी घूम गए, पैदल भी चले गए, कोई दिक्कत, किसी को रात में दिक्कत हुआ हॉस्पिटल जाना, गाड़ी नहीं मिला तो टोटो अपने से चला के पहुंचा दी, तो वो लोग जाएंगे क्या? बिल्कुल एग्जैक्टली यही कहना। बाकी पवन भी हमारे आएंगे। जी पवन जी, नहीं बिल्कुल, देखिए बात ऐसी है ना, बात यहाँ की राजनीति को इस बार जो हम लोग का प्रयास यही है कि लोकल नेताओं का तवज्जो होना चाहिए, चाहे किसी भी दल का नेता हो। आज लोकल नेता के दम पे ही कोई सांसद कोई विधायक बनता है, इस बात को आप मानते हैं कि नहीं? अगर कार्यकर्ता जो है, कार्यकर्ता किसी भी दल का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे जेएमएम का हो, चाहे जेडीएस का हो, चाहे किसी भी पार्टी दल का हो, ठीक है, तो कार्यकर्ताओं का तवज्जो होना चाहिए कि नहीं पार्टी में? जो संघर्षशील है, जो हमेशा काम करता है, वैसे लोगों को देना, पार्टी क्या फंड नहीं दे सकती है? एक आम कार्यकर्ता को आप देते, यहाँ का लोकल आदमी को देते, यहाँ का काम करने वाला आदमी को देते, जो जनता के बीच में घूम रहा है, लोग जान रहा है भाई नेम उसको, ठीक है, आप उसी को फंड दे देते। पार्टी के पास फंड नहीं है, पार्टी भी तो फंड देती है, आप उसी को बढ़ावा देते। तो आपने तो पूंजी वैसे लोगों को दे रहे हैं कि जिसका अगर आप बैकग्राउंड देखिएगा तो किसी का कोयला का बड़ा बड़ा खदान चल रहा है, किसी का बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस चल रहा है, देश में विदेश में, तो वो लोग झरिया को क्या करेगा? लूटेगा कि नहीं लूटेगा बताइए? अभी लड़की तो सही बात बोला, इतना पूंजी लगाया तो वसूलेगा कहां से? और हम लोग बीच में जाएंगे चार पांच मुद्दा लेके, आप भी पत्रकार जी बहुत जरूरत होगी, आपके घर के कोई जाता होगा, यहाँ सबके प्रति लोग सोच रहा है, चले हम भी सोच लेंगे। हम लोग एक अलग हटकर सोचे इस बार कि ड्राइवर जो है, जो रिक्शा वाले है, इसके प्रति आज तक कोई देश में नहीं सोचा, सोचे है? नहीं सोचे। हम लोग उसके प्रति भी सोच रहे हैं, एक ड्राइवर क्या जिंदगी होता है, रोड पे एक्सीडेंट हुआ, मरा गया, उसके घर के लोग बिन भुखमरी कगार में। हम लोग ऐसा नेता भी चाह रहे कि उस लोग पे भी प्रति सोचे। ये पवन झा से मेरे को सीखने को मिला कि अरे ड्राइवर लोग भी, रिक्शा वाला क्या है, रिक्शा वाला 10 साल गाड़ी रिक्शा खींच नहीं सकते, उसके बाद उसका घर का वोट दे दिए। इसमें हम लोग चर्चा किए थे बैठ के कि रिक्शा वाले को लोग तो नहीं बोलता, वोट चाहिए, रिक्शा वाला भी चाहिए, एक जो हमारे गरीब भीख मांग उसका भी वोट चाहिए, लेकिन उसका विकास नहीं चाहिए उसको। अरे तो वोट चाहिए तो विकास भी चाहिए, मत चाहिए लेकिन उसका विकास नहीं, नहीं जी। तो पवन जी, मेरा अगला प्रश्न ये है, आपने बड़े ही वफादारी की बात की, कर्मनिष्ठा की बात की, लेकिन राजनीति आजकल तो वैसा है नहीं, अब कोई बिल्कुल ऐसे भी हम आपको एक ही राय नहीं है कि अपना जिंदगी में कुछ नहीं बनाया, भले वो कुछ भी विचारधारा कर रहे हैं, कुछ भी रहे हैं, कुछ भी, देखिए परिवार शादी ब्याह नहीं किया उन्होंने, कुछ नहीं बनाया, एक छोटे से मकान में रहते थे, गुमनामी की जिंदगी मर गए, और कोई लाल बहादुर शास्त्री भी नहीं। अब राजनीति अब नहीं है कि हम जो है आपके श्रम दान करें। मैं एक बहुत बड़ी बात बोलूंगा, आपने आप क्वेश्चन उठा लीजिए, मैं एक बहुत बड़ी बात इसमें बोलूंगा। देखिए धनबाद जिला का जितना नौजवान है ना, मैं एक ही चीज बोलता हूँ आपके माध्यम से, धनबाद जिला का जितना नौजवान है, देखिए कोई भी पार्टी किसी का परिवार नहीं चला देता है, आज जितना ही चुनाव में आया है ना, कि कल के बाद कोई नजर नहीं आएगा, ठीक है, चुनाव खत्म होगा सब अपने घर चले जाएंगे, आजाद आए दोबारा, वही तो नहीं, बोले नहीं आए, वही तो है, कोई भी है, ये लोग चुनाव के बाद जो जीतेगा वो रहेगा, जो गया तो फिर उसको किसी से पब्लिक से मतलब नहीं, पूछा भी नहीं, लेकिन लेकिन मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, आपने बोला ना बहुत बड़ा आप शब्द का प्रयोग किया अभी आप, कि भाई यहाँ पूंजीपति है, ऐसा राजनीति अब नहीं है, तो आम लोग कैसे जाएंगे? आम लोग, हम लोग जैसे लोग अगर आते हैं तो क्या करते हैं, या हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग बस यही कर सकते हैं कि धनबाद जिला का नौजवान के अंदर जो दिल है ना, उसमें जो जुनून है ना, उसमें जो जोश है ना, उसमें जो आग है ना, उसको चिंगारी दे सकते हैं, ठीक है, उसको ये चिंगारी दे सकते हैं कि अगर अभी बेटा नहीं जगा, ठीक है, हम तो कल मर जाएंगे, फिर कल सुबह नहीं होने वाली है, हम तो मर के चले जाएंगे, ठीक है, सबको जाना है ऊपर, लेकिन जान जाना ये बात सब दिन याद रखना कि कोई आदमी बोल के गया था हम लोग के बीच में कि अगर अभी नहीं सुधरे तो कभी नहीं सुधरोगे, कल के डेट में तुम्हारे परिवार से भी कोई राजनीति में है, उसको भी राजनीति करना है, तो ये परिदृश्य को इस बार का चुनाव में हम लोग को चेंज करने का एक प्रयास है, और निश्चित रूप से अगर ईमानदारी से कोई भी चीज़ का प्रयास होता है तो उसका फल जरूर मिलता है, ईश्वर जो है ऊपर वाला वो चीज़ देखता है, तो हमारे पास वही चीज़ है, ये जो वक्तव्य है ना, सबसे बड़ा पूंजी होता है आदमी का वाणी, ठीक है, तो ये वाणी हमारे पास है, और इस वाणी के माध्यम से लोगों के बीच में हम लोग जाएंगे, हमारे जैसे क्रांतिकारी लोग हमारे साथ हैं,
हम लोग जाके अगर ये बात बोलेंगे धनबाद जिला के नौजवानों को कि अगर आप अभी नहीं चेत रहे हैं तो भविष्य आपका एकदम अंधकार में जाने वाला है, तो वैसे लोगों को उठाइए जिसको उठाने की जरूरत है, वैसे लोगों को नहीं उठाइए जो ऑलरेडी उठा हुआ है। बात को समझ रहे हैं? आज क्या है, दोनों जो प्रत्याशी है दोनों अपने अपने जगह से विधायक है, एक की पत्नी, एक हस्बैंड विधायक है, एक खुद विधायक है, तो उसको क्या जरूरत है सांसद के लिए आने का? सांसद के लिए कोई और वैसा कर्मशील नेता नहीं था क्या पार्टी में? आता चुनाव में आता, लोग देखता कि हाँ भैया ये कुछ नहीं है, कोई पद प्रतिष्ठा में नहीं है, ठीक है। अब जो रहे वो तो फिर तो बोले ना कि चढ़ावा का जहां तक बात आता है तो वो तो भ्रष्टाचार वाली बात तो सब पार्टी में है या वो समझे उनका मामला है, लेकिन जनता के लिए क्यों थोप रहा है? मैंने जनता को क्या चाह रहा है, बस यही करके जो है दिखा के हम लोग जीत जाएंगे हर एक बार? ये जो ट्रेड बना हुआ है, ये जो विचारधारा बना हुआ है, हमारी लड़ाई विचारधारा से, हम लोग की लड़ाई जो जितना भावना समझ रहे हैं ना, जो लोग बोल रहे हैं, बोलने का मकसद जो मुख्य जो बोलते हैं निचोड़ क्या है, निचोड़ यही है कि हमारा निचोड़ ये है कि हम लोग विचारधारा की लड़ाई लड़ने चाह रहे हैं, और पूंजीपति वर्सेस जो आम है, बात को समझ रहे हैं कि अगर क्या देश में पूंजीपति ही राज करेंगे, पैसे वाले ही लोग नेता बनेंगे? जी बोलिए। पूंजीपतियों से हमारा विरोध नहीं है, कोई पूंजी बनाए पैसा कमाए हमें उसका विरोध नहीं है, वो पैसा कमाए रोजगार भी दे, जैसे आजकल देश में हो रहा है कि अडानी का विरोध, अंबानी का विरोध, वो रोजगार भी दे रहे हैं। पूंजी का पति का मतलब ये नहीं है कि आप बनाते जाओ एक मरते जाए। नहीं नहीं, मैं एक चीज बता रहा हूँ, पूंजीपति मैं यहाँ का जो शब्द मैंने प्रयोग किया है, पूंजीपति मैं यहाँ के नेताओं के बारे में बोल रहा हूँ, कोई उद्योगपति के बारे में मैं नहीं बोल रहा हूँ। उद्योगपति तो अपना धंधा करता है, बिजनेस करता है, काम करता है, कुछ लोगों को भी उसमें रोजगार भी देता है, ठीक है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं नेताओं की बात कर रहा हूँ कि पूंजीपति नेता, पूंजीपति नेता का मतलब जो अरबों खरबों में है, जो पद से पहले से सुशोभित है, जिसके पास ऑलरेडी पद है, वैसा नेता जब और आएगा बनेगा तो वो और क्या करेगा? जनता को और लूटेगा कि नहीं? जनता के रिसोर्सों को लूटेगा कि नहीं? बात को समझ रहे हैं? तो ये जो विचारधारा की लड़ाई है, हम लोग विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं कि वैसे लोगों का विरोध होना चाहिए, तो बाद में क्या हो जाएगा, कोई भी लोग पैसा लेके आएगा वही जीत जाएगा हर एक जगह। तो इसको जनता के बीच में बोलना है, लोगों के बीच में बोलना है कि भैया इसका विरोध करो, ठीक है, इसका विरोध होना चाहिए, नहीं तो फिर आम आदमी कैसे आगे बढ़ेगा? आप ही सोचिए ना कि आम आदमी आखिर कहाँ जाएगा, कैसे बढ़ेगा, जब तो सब जगह छेक लेगा वही लोग। सही बात है, मतलब कोई स्पेस होना चाहिए आगे। बिल्कुल। तो चले झा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका चर्चा करने के लिए। हम इतना ही कहेंगे कि कौन भाई लोग थे हमारे, जी हम उनसे उनसे भी हम बात करेंगे। कहते हैं कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, जरा फुर्सत से पत्थर तो उछालो। मतलब कहने वाली बात है कि हमें परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन की बयार लानी है, मतलब आवाज उठानी चाहिए। अभी सियासी माहौल है, चुनाव है, हर कोई आएगा, नया चेहरा आएगा, ना जाने कौन आकर आपके गले मिल जाए, कौन आपका गले मिलकर गले पड़ जाए, ये सब सारी कहानी देखने को मिलेंगी। लेकिन मुद्दा ये है, टॉपिक ये है कि कौन परिवर्तन की बयार लाने वाला है। मैं अवधेश राय, जनमानस समाचार, धन्यवाद।